मुंबई में ऑटिज्म से जूझते 13 लोगों ने ऐसे काम की शुरुआत की है जो काबिले तारीफ होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। इन 13 लोगों ने मिलकर एक ओपन कैफे खोला है जिसमें यही लोग कर्मचारी हैं। बता दें कि ऑटिज्म एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शख्स किसी दूसरे से बात नहीं कर पाता। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी के लिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग एक प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा निशुल्क दी जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलाघाट में कुपोषित बच्चों की देखरेख के लिए होम बेस्ड चाइल्ड केयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रशिक्षित ट्राइबल महिलाएं बच्चों को देखभाल उनके घर जाकर कर रही हैं। चेन्नई के मद्रास हेरिटेज मोटरिंग क्लब में पुराने और बेहतरीन किस्म के वाहनों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें करीब 140 पुराने विंटेज कारों और 35 बाइक्स को डिस्प्ले किया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।